गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, क्वार्टर में बहुत ज़्यादा थक गए थे, देख सकते हैं हालत। मतलब ऐसी हालत थी ना कि जैसे आए थे बस वैसे ही सो गए, क्योंकि क्वार्टर में पहुँचते पहुँचते 3:30 बज गया था। हम सोने गए तो 3 बज गया था, और समझ सकते हैं पूरा क्वार्टर खाली गंदा। ये तो फिर भी पूरा साफ़ करवा के गए थे, फौजी साहब बोल रहे थे कि प्रॉपर अच्छे से साफ करवा के गया था, घर धुलवा उलवा के गए थे। लेकिन अब क्वार्टर तो क्वार्टर है, घर जैसा नींद तो नहीं आने वाला है। और बस बेड बेड था तो गद्दे हमने कैसे भी खोले और बस लुढ़क गए, सो गए। तो अभी उठी हूँ और फौजी साहब बोल रहे थे कि जल्दी तैयार हो जाओ, जाना है बाहर, क्योंकि सामान तो सारे लाने पड़ेंगे। सिलेंडर के लिए पहले किसी से बोला था लेकिन आ नहीं पाया है, तो जाना पड़ेगा। और कूलर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कूलर वूलर सब लेना पड़ेगा। तो जाना है मुझे, अभी जा रही हूँ मैं नहाने। तो नहा के फिर तैयार होके फिर आपको आगे की अपडेट देती हूँ मैं। आइए हम आपको ना अपना क्वार्टर दिखाते हैं कैसा मिला है। तो ये है फर्स्ट रूम, इसको हम गेस्ट रूम बना सकते हैं। और क्वार्टर तो मुझे पुराना ही मिला था, लेकिन फौजी साहब ना जाने से पहले पूरा रूम कलर कुलर करवा के, पूरा सफाई करवा के गए थे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो पूरा घर और धुलवा के गए थे, इधर वॉशरूम है और इधर किचन है। अभी फिर भी मुझे बहुत सफाई करनी पड़ेगी। और इधर दो रूम हैं, तो ये है क्वार्टर। अब इसको अपने हिसाब से सजा के और अपना घर बनाना है। और ये जो सामान अभी ट्रांसपोर्ट से आए हुए हैं, अभी और भी सामान सारे आ रहे हैं। हे गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं मार्केट, बहुत सारा काम था। फौजी साहब के पास टाइम नहीं है, उनकी बस आज तक की छुट्टी है, कल से उनको ड्यूटी ज्वाइन कर लेना है। तो बोल रहे थे कि ड्यूटी के बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं, और सबसे पहले तो गैस सिलेंडर बताए थे आप लोगों को कि किसी को बोल के गए थे नहीं हो पाया है, तो वो पहले लेने आए हैं, उसको करवाना था, ट्रांसफ़र करवाना था। हमने महाराष्ट्र में कनेक्शन लिया था। हाँ, आई एक्चुअली सी समथिंग। बस लुक एट द साइड, वो है वो चेंज। हाँ ठीक है, मुझे वैसे वाला टी शर्ट लेना जो रायन के पास है। ओके, अभी बैठ जो, मम्मा दिला देगी। तो सबसे पहले तो वो काम करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, देखते हैं क्या क्या ले लेते हैं। और पॉसिबल होगा तो वो सब हम आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई हूँ, कहीं आने जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आना ही है। फौजी साहब बोलने लग गए चलो चलो चलो, नहीं तो फिर मैं कुछ भी ला दूँगा, उल्टा पुल्टा ला दूँगा, तो फिर बोलोगे कि ये ख़राब आ गया, वो ख़राब आ गया। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। और अभी गए हैं फौजी साहब गैस के कनेक्शन के लिए, मतलब जहाँ उनको देना था, करना था। हम लोग कार में ही बैठे हैं, हम लोग वहाँ जाके क्या करते। और इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब है पूरी। क्वार्टर कैसे सेट होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। कैसे मैं एडजस्ट करूँगी सब कुछ अकेले, क्योंकि फौजी साहब तो ड्यूटी चले जाएंगे, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। और क्वार्टर भी जो मिला है इनको बहुत जल्दी में चाहिए था, तो इस वजह से पुराने वाले क्वार्टर मिले हैं। और पुराना वाला क्वार्टर आप समझ सकते हैं कि कैसा होता है, बहुत ही मतलब अब क्या बोलूं, टूटा फूटा सा होता है वो। एक्चुअली वो रिपेयर के लिए जाने वाला था, लेकिन फौजी साहब ने बोला कि नहीं मुझे चाहिए। और यहाँ ये है कि सिविल में हम रख नहीं सकते, मतलब वो लोग बाहर रहने का अलाउ नहीं करते हैं, बाहर में क्वार्टर लेने का। तो अंदर ही लेना था, और लेना भी था, ज़रूरी था, क्योंकि स्माइली का फिर स्कूल का बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी लेना पड़ा। तो जैसा भी मिला है, रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। वो लोग खुद बोल रहे थे कि ये रहने लायक नहीं है, अभी वो रिपेयर के लिए एक क्वार्टर जाने वाला था, लेकिन फौजी साहब ने बोला फिर भी दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो रहेंगे, एडजस्ट करेंगे कैसे भी, और बाकी देखते हैं। फौजी साहब ने बोला है कि जैसे ही कोई अच्छा क्वार्टर खाली होगा तो खुद ही हमें मिल जाएगा। तो बाकी वेट करते हैं, तब तक मुझे पुराने वाले क्वार्टर में ही काम चलाना होगा। तो अभी देखती हूँ क्या क्या करना है, इधर से क्या क्या लेके जाते हैं, कूलर वूलर फ्रीज सब कुछ लेना पड़ेगा।
आपको पता है यार, आर्मी वालों का यही पंगा हो जाता है ना, कहीं भी जाओ सब सारा सामान करो, फिर दो साल में पोस्टिंग हो जाती है, यूनिट जाने लगती है, तो सारा सामान हमें साथ लेके जा नहीं सकते, बेचना पड़ जाता है। तो हम सोच रहे थे कि अभी सेकेंड हैंड ही सब कुछ ले लेंगे, मतलब फ्रिज और कूलर वगैरह सब कुछ, बाकी देखते हैं अगर अच्छा मिलेगा तो, नहीं तो फिर नया ही लेना पड़ेगा। मेरा ना क्या हो गया, गांव पे भी मेरा सारा सामान पड़ा हुआ, शादी में का सारा सामान मतलब ससुराल में वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई यूज़ करने वाला नहीं है, क्योंकि दो भाभी हैं उनका भी सारा सामान मिला हुआ, तो वो अपना अपना यूज कर रहे हैं, मेरा तो बस वैसे ही पैक ही सब कुछ पड़ा हुआ है। तो फ्रिज वगैरह जैसे है, अगर चाह मतलब वहाँ से लाना पॉसिबल नहीं है, अच्छा नहीं लगता है कि ससुराल से अब उसको उठा के लेके आऊँ मैं, तो फ्रिज तो वैसे ही पड़ा हुआ है ना, मतलब हम जाते हैं तो यूज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर में ऑलरेडी पहले से है, सबकी भाभी भी का जो भी है सबके पास फ्रिज है, तो हम उसमें से मतलब यूज करते हैं। अब एक ही घर में तीन तीन फ्रिज तो यूज होगा नहीं, तो मेरा वाला तो बस फालतू ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसको लेके नहीं आते हम, क्या लेके आना। कानपुर भी पड़ा हुआ है, फिर जहाँ जाते हैं वहाँ भी हमें लेना पड़ता है सारा सामान, बर्तन गैस ये भी ऐसे ही हो गया, कानपुर भी पूरा सब कुछ है, फिर यहाँ भी हमें सब कुछ करना पड़ता है, और फिर लास्ट में जाते जाते बेचना भी पड़ता है उसको, क्योंकि लेके हम नहीं जा सकते, उतना कैरी नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लेके जाना होता है, ट्रांसपोर्ट से हम भिजवा देते हैं, लेकिन सब कुछ इतनी सारी चीज़ें हम नहीं लेके जा सकते, तो बड़ा दिक्कत होता है, पैसे भी बहुत नुकसान होते हैं हमारे, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना कि शौक है, रहना है साथ में, आखिर अकेले कब तक रहेंगे। अब मुझे तो यहाँ का हालत देख के लग रहा है कि इससे अच्छा कि मैं कानपुर अकेले ही रह जाती, क्योंकि फौजी साहब बोल रहे थे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे, तो पता ना क्या सिचुएशन होगा, कैसे मैं रहूँगी, क्या एडजस्ट करूँगी, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ, पता ना रहने लगूँगी तो मुझे अच्छा लगने लगेगा, तो देखती हूँ क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ के मार्केट के बारे में ना हमें कुछ पता ही नहीं है, मतलब जहाँ जो चीज़ दिख रहा है तो हम वहीं ले ले रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी पता नहीं है, बस रोड पे हम घूम रहे, गाड़ी से जो भी चीज़ आगे दिख जा रहा है, अरे हाँ हमें ये लेना है तो बस ले ले रहे हैं। फिर फौजी साहब ने बोला कि पहले जूस पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर कोई शॉपिंग होगी, तो मुझे गन्ने का जूस अच्छा लगता है, तो फिर मैंने जूस पिया, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे, और तो फौजी साहब की शॉपिंग चल रही है, मैं बैठ के आराम से जूस का मज़ा ले रही हूँ। धूप ही इतना ज़्यादा है ना कि बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा, बाहर निकल के बिल्कुल हालत ख़राब हो जा रही है। हे गाइस, तो अभी हो चुकी है यहाँ पे शाम, और अभी बहुत सारा काम कर कर के मैं थोड़ी सी थकी थी, तो मैंने सोचा कि अभी काम को स्टॉप करती हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा बात करती हूँ, उसके बाद कोई भी काम होगा। इतना काम करना पड़ रहा है ना, इतना काम करना पड़ रहा है कि मैं बिल्कुल थक जा रही हूँ। और फिर दिन में भी मैं मार्केट चली गई थी, आप लोगों को बताया था, उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी जो भी मैंने शॉपिंग करी, बिकॉज मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, तो आगे की वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। उसके बाद मैं घर आई थी, फिर मैंने क्या क्या लिया जो भी चीज़ें, वो नहीं आप लोगों से शेयर कर पाई। तो अभी शाम हो गया था, बहुत सारा काम करने के बाद मन थक गया था, तो सोचा कि आप लोगों से थोड़ा बात करती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें बताती हूँ, फिर आगे कोई काम करूँगी। तो और कैसे हैं आप लोग, अभी मैं बैठी थी ना, तो ये टिफ़िन आया मेरे को, मतलब आर्मी क्वार्टर की ना एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब ये टिफ़िन देखा मैंने तो मुझे याद आ गया कि ये चीज़ें भी शेयर करनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि ना जैसे हम कहीं भी ऐसे अगर सिविल में रह रहे होते हैं, तो आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, किस हाल में हो, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहती है, लेकिन हम जब आर्मी क्वार्टर में आते हैं ना, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि मतलब जब तक हमारा रूम शिफ्ट नहीं हो जाता, हम अच्छे से शिफ्ट नहीं हो जाते, किचन हमारा शिफ्ट नहीं हो जाता, जब तक हम किचन अपना स्टार्ट नहीं कर देते हैं ना, तब तक कोई ना कोई आसपास से अगल बगल से कोई ना कोई खाना बना के खिलाता रहता है हमें, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। या फिर हमें जब पोस्टिंग जानी भी होती है ना, यहाँ से जब हम अपना सामान पैक कर रहे होते हैं,
तब भी कोई ना कोई हर घर से, मतलब जितने भी होते हैं हमारे क्वार्टर में, किसी ना किसी के घर से कभी शाम को कभी सुबह में मतलब खाना आता ही रहता है, ताकि हमें काम करने में दिक्कत ना हो, आसानी हो, किचन पैक करना रहता है और बहुत ज़्यादा थके भी रहते हैं तो खाना बनाए तो और ज़्यादा थकेंगे, फिर कैसे मैनेज नहीं हो पाएगा, खाना भी बनाना है फिर काम भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब ये जो प्यार है मुझे लगता है सिर्फ आर्मी क्वार्टर्स में ही मिल सकता है, सिविलियन को ये प्यार नसीब नहीं होता होगा, शायद हो भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, दावे के साथ नहीं बोल रही हूँ कैसा मतलब नहीं होता होगा चाहे होता होगा, हो सकता है, लेकिन मैंने बस मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आर्मी क्वार्टर्स में ही देखा है कि जितने भी दिन, जब तक मतलब अभी 2 दिन हो गए हमें, सुबह में भी नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को खाना प्रॉपर, मतलब आए जा रहा है, जो मेरी बगल की दीदी हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, वो तो महाराष्ट्र की ही हैं, तो वो मतलब प्रॉपर बना के दे रहे हैं, फिर जिनको मतलब आसपास की भी जो हैं तो कभी कोई नाश्ता ला रहा है, कभी कोई खाना ला रहा है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच में, मतलब दिल खुश हो जाता है आर्मी के ये रूल वगैरह देख के। इसीलिए बोलते हैं ना कि सिविल में तो कोई भी रह सकता है, लेकिन आर्मी क्वार्टर बहुत नसीब से मिलते हैं हमें, तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा लक्की मानती हूँ कि मुझे फिर से अभी यहाँ रहने का मौका मिला है, चाहे जैसा भी है ये क्वार्टर, मतलब कहने को तो बहुत पुराना है, इससे बहुत अच्छी फैसिलिटीज हमें घर पर मिल जाएंगी, लेकिन इसका जो सुख है ना वो बहुत बहुत ही मतलब घर के सुख से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत सुकून है इस क्वार्टर में चाहे जैसा भी है। तो अभी मैं इसको बिल्कुल अपने महल जैसा बना दूँगी, मतलब अभी तो नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसको सजा के मैं बहुत अच्छा बना दूँगी, यही मेरे लिए महल जैसा हो जाएगा। तो ये हमारे रात का खाना है, और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिली हूँ, लेकिन हाँ फौजी साहब को सब जानते हैं, तो उनके व्यवहार की वजह से, उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से सारा ये सब खाना वगैरह आ रहा है, क्योंकि मैं तो पहले किसी से ज़्यादा मिली नहीं हूँ, रही भी हूँ बहुत सारी जगह, रही हूँ फौजी साहब के साथ, लेकिन किसी से नहीं मिली हूँ, तो मेरे से कोई अटैचमेंट नहीं है किसी का, लेकिन फौजी साहब की वजह से जो भी खाना वगैरह आ रहा है तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी आज का ब्लॉग ना मैं सोच रही हूँ यही एंड कर दूँगी, क्योंकि आज मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, आपको कल के ब्लॉग में देखते हैं मैं आपको क्या दिखाती हूँ, घर की सफाई और घर का सजावट जो भी होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, आप मुझे देख रहे हो, प्रॉपर देख रहे हो अगर, और ब्लॉग नहीं आ रहे तो आप पूछ भी रहे हो कि दीदी ब्लॉग डालो डालो, मुझे देखना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सच में दिल से थैंक यू, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, मेरे ब्लॉग देख रहे हो, और लव यू ऑल, बाय बाय।